एवरीवन, ये स्टार्ट है क्या? ओह शिट, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. आई एम बैक विद अनदर वीडियो. सो एज यू ऑल ऑलरेडी रीड द टाइटल, आई नो. एंड ये वीडियो थोड़ी हटके होने वाली है, कॉज इस टाइप की वीडियो मैंने आज से पहले अपने चैनल पे नहीं करा है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. I got this bag from Joog. The people who don't know about Joog, it's an Indian brand. Guys, इस brand की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी है कि it's a 100% vegan and PETA approved. It means कि इस bag को बनाने में कोई भी animal को harm नहीं हुआ है. I got two bags. First one is this, and the second one is laptop bag. So the bag has a separate compartment also for other stuff like diary, pen and other sab kuch. It's a very light weighted plus point hai and kafi zyada spacious hai. Like इस बैग में भी काफ़ी ज़्यादा कंपार्टमेंट्स है, लाइक कैश के लिए, कार्ड्स के लिए, अदर मेकअप के लिए. काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अच्छे से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो इस बैग के अंदर अपना सारा स्टफ़. तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इस बैग के अंदर. एंड गाइज, आप इनकी वेबसाइट चेक कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है. एंड इस टाइप की बैग आपको काफ़ी ज़्यादा अलग अलग प्रिंट्स, पैटर्न जो कि इंडियन कल्चर को थोड़ा सा मतलब कि रिलेट करते हैं, उस टाइप का डिज़ाइन है जो कि आपको अदर ब्रांड्स और अदर वेबसाइट पे नहीं मिलेंगे. सो प्लीज़ आप एक बार चेकआउट करना. काफ़ी अच्छे अच्छे लाइक आपको ऑफिस गोइंग गर्ल बैग मिल जाएगा, लैपटॉप बैग मिल जाएगा, स्लिंग बैग मिल जाएगा. काफ़ी अलग अलग टाइप के बैग्स आपको, बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ हैं. प्राइस रेंज की बात करें तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है एंड क्वालिटी के अकॉर्डिंग प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम है. लाइक ये बैग मैंने 1299 में मंगवाया, इट्स अ वेरी रीजनेबल प्राइस. एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ माई कोड मैंशनिंग ऑन द स्क्रीन एंड एज वेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो आपको, अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको 15% ऑफ मिलेगा एज वेल. एंड ये सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए है, दैट इज़ ग्रेट. एंड वन थिंग गाइस, आई एम नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ कमीशन और प्रॉफिट फ्रॉम देम, इट्स ओनली फॉर यू गाइस. यू कैन यूज़ माय कोड एज वेल, इट इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज़ चेक इट आउट. सो गाइस, पता है क्या, जब भी मैं मतलब कि लाइक स्कूल टाइम पे या कॉलेज टाइम पे हुआ करती थी ना, तो लाइक मैं सेलिब्रिटीज़ वगैरह की वीडियो वगैरह देखा करती थी, लाइक व्हाट्स इन माय बैग टाइप करके. एंड मैं सोचती थी काश मैं भी इस टाइप की वीडियो कब क्रिएट करूँगी. सो आज वो दिन आ चुका है फाइनली. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, आप लोग भी एक्साइटेड हो गए कि मेरे बैग में क्या है, आरती के बैग में क्या है. सो वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो गाइस, फर्स्ट मेरे बैग में, इस वाले जिप में हमेशा कुछ कार्ड्स वगैरह होते हैं. लाइक ये कार्ड्स होते हैं, लाइक मतलब एक एटीएम एंड एक मेट्रो कार्ड तो हमेशा चाहिए होता है मुझे, क्योंकि जब भी मैं मेट्रो के लिए मतलब कभी भी रेडी होती हूँ ना, घर से फटाफट निकल जाती हूँ. एंड तो फिर मैं इसलिए बैग में ही रखती हूँ. कभी मेरे किसी जेब में होता है, कभी किसी पॉकेट में, कभी किसी जीन्स के पॉकेट में. तो मेरे को हमेशा, कई बार ऐसा हो चुका है मेरे साथ कि मैं मेट्रो पर जाती हूँ, ओ शिट मेट्रो कार्ड तो भूल ही गई. सो डेट्स वाई मैं हमेशा इसमें रखती हूँ. अब मतलब जब से ठोकर खा के इंसान की बुद्धि खुलती है ना, लाइक उस टाइप का हुआ है मेरे साथ, तो मैं हमेशा इसमें रखती हूँ. तो फर्स्ट चीज़ ये है. एंड अब मेन पार्ट ओपन करते हैं. तो गाइस, बैग ओपन करते ही ना मेरे बैग से निकलेंगे इस टाइप की क्रंचीज कुछ, जो कि मैं अपने हेयर कवर करने के लिए बहुत ही कम यूज़ करती हूँ एंड शो ऑफ के लिए. जैसे कि अभी भी मैंने ये हाथ पे लगाए हुए, तो मैं इस टाइप से अपने हाथ पे लगा लेती हूँ. ये ट्रेंड चल रहा है ना आजकल, तो फिर इसीलिए. एंड नेक्स्ट मेरे बैग में होता है ये आईपॉड, जो कि मेरे को मेट्रो वगैरह में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. एंड कई बार ये चार्ज नहीं होता, तो देन मैं ये भी रखती हूँ. दो ऑप्शन रखती हूँ मैं, क्योंकि मैं मेट्रो में बोर नहीं हो सकती. मतलब कि ऐसे लोग ना बैठ के जो एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते हैं, तो वो उस टाइप का मैं बिल्कुल, मेरे से बिल्कुल भी नहीं हो सकता. तो मैं अपने सॉन्ग वगैरह चला के चिल करते हुए काफ़ी लॉन्ग मतलब कि काफ़ी लंबा लंबा ट्रैवल करना पड़ता है मुझे, तो इसीलिए ये दो चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड चार्जर भी इम्पॉर्टेंट है, तो ये चार्जर इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए. तो ये तीनों चीज़ें मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है.
उसके बाद ये इस टाइप्स के कुछ हुक्स रखे हुए हैं लाइक ईयरिंग्स वगैरह के, क्योंकि मेरे कानों पे काफ़ी ज़्यादा पियर्सिंग है. आप सब जो मेरे मतलब कि सब्सक्राइबर हैं उनको पता है मैंने अभी रिसेंटली पियर्स करवाई है ईयरिंग. ये तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीछे का हुक कभी भी ओपन हो जाता है कहीं गिर गया तो फिर मुझे ये चाहिए होता है. एंड ये एंड देन आप सब गेस करो क्या होगा. मेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, मतलब कि कॉम. ये हुडन कॉम, मैं हुडन कॉम यूज़ करती हूँ. एंड आप लोगों को मेरे बालों की लेंथ पता है कि कितनी ज़्यादा सी इतनी ज़्यादा लेंथ है, तो मुझे मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा उलझते भी हैं कई बार, तो मुझे ये तो नीडेड होती है बहुत बार. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे बैग में. एंड मुझे गाइस नेक्स्ट मतलब कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं मेरे बैग में जो कि आपने मुझे यूज़ करते ही नहीं देखा होगा. बस जब भी मैं जाती हूँ कहीं बाहर तो ये मेरे पीछे पीछे चले आते हैं भगवान जाने क्यों, बट किसी भी काम के नहीं होते क्योंकि मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ. लाइक मतलब कंसीलर जो कि मैं कभी अप्लाई नहीं करती, बस यूं ही रखा हुआ है. एंड लिप लाइनर ये भी मैं यूज़ नहीं करती. एंड लिपस्टिक ये सारी जो भी मैं आपको प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ ना ये बिल्कुल न्यू है. देखो लाइक मैंने कभी भी यूज़ नहीं करी है. एंड ये गिफ्टेड होती है जितने भी मेकअप प्रोडक्ट्स. एंड मुझे सब कुछ जो भी गिफ्ट करा है ना, मतलब मुझे कल्पना ने गिफ्ट करा है, वो मेरी फ्रेंड है, तो वो मुझे बर्थडे पे ही गिफ्ट करा है उसने. और मतलब कि ऑलमोस्ट सब चीज़ें वैसी की वैसी ही रखी हुई हैं, मैं यूज़ ही नहीं करती. कई बार यूज़ करती हूँ थोड़ा सा एंड फिर रिमूव कर देती हूँ, मुझे पसंद ही नहीं आता भगवान जाने क्यों मेकअप, बट अब मैं ट्राई करूँगी मेकअप. एंड उसके बाद काजल, जो कि मैं काजल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है काजल, बट जब भी मैं यूज़ करती हूँ ना गाइस, सी मैंने रात को हल्का सा काजल यूज़ करा था, ऐसे ही मुझे कभी भी शौक चढ़ जाता है सजने सवरने का. मतलब कि यूं ही मतलब कि ऐसे लेटे लेटे ना कभी शौक चढ़ जाएगा मिरर में देखते देखते कि मैं ज़रा काजल लगाऊँ, जरा ब्लैक बिंदी लगाऊँ. मुझे ब्लैक बिंदी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है आजकल, तो बस मैंने हल्का सा ना काजल लगाया था रात को. एंड देखो कितने ज़्यादा डार्क डार्क यहाँ पर डार्क सर्कल्स मुझे नज़र आने लगते हैं काजल लगाने के बाद, तो मैं अप्लाई नहीं करती. एंड उसके बाद हाँ ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसके बाद ये मॉइस्चराइज़र, ये मैंने छोटू पैक रखा है. आप लोग हंस रहे हो क्यों, मैंने जॉनसन्स बेबी, हाँ मैं जॉनसन्स बेबी यूज़ करती हूँ. मुझे बच्चों के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लाइक मॉइस्चराइज़र, क्रीम, शैम्पू, ऑयल. मैं जॉनसन्स बेबी के मेरे पास काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, मैं आपको कभी किसी और वीडियो में दिखाऊँगी. लाइक मुझे ना उनके कभी मैं मॉल वगैरह जाती हूँ शॉपिंग के लिए, तो मैं उनके क्लोथिंग सेक्शन में भी एक बार चेकआउट कर लेती हूँ. लाइक जो 12-14 ईयर्स के बच्चे होते हैं ना, उनका लार्ज साइज़ मुझे ईजीली आ सकता है. मतलब मैं इतनी भी मोटी नहीं हूँ, लार्ज साइज़ में उनका ले लेती हूँ, और काफ़ी मतलब कि प्राइस भी अच्छे मिल जाते हैं एंड कलेक्शन बहुत क्यूट क्यूट से होते हैं उनके पास. तो अब जब भी आप नेक्स्ट टाइम मॉल जाना होते हैं एक बार प्लीज़ चेक करना बच्चों का सेक्शन, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है. एंड उसके बाद है सनस्क्रीन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सनस्क्रीन तो आपको हमेशा यूज़ करना चाहिए, लाइक आप घर पे हो या बाहर हो, हमेशा यूज़ करके रखना चाहिए. ये मैंने 40 SPF का लिया हुआ है, इतना इनफ होता है मुझे, इतना मतलब कि मुझे इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता. मतलब टैन हो गए, ये हो गए, वो हो गए, मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी ना काफ़ी बोलते कि इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, टैन हो गई, ये हो गई, टैन हो गए, मुझे पता ही नहीं चलता मेरी स्किन टैन हो गई. एंड उसके बाद है ये आई शेडो पैलेट, जो कि अगेन गिफ्टेड है बाय कल्पना. एंड मैं उसका एक्चुअली कल्पना का इंस्टाग्राम हैंडल है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करती हूँ, तो वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. अगर आपको इस टाइप से कुछ भी लेना हो काफ़ी अफोर्डेबल एंड रीजनेबल प्राइस पे मिल जाते हैं आपको वहाँ पे, तो आप प्लीज़ चेकआउट कर लेना. एंड उसके बाद है लाइक हाँ उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज नेल रिमूवर. लाइक जैसे कि अभी तो मैंने नेल एक्सटेंशन करवाया हुआ है, तो लाइक मैं कभी सब्जी खा रही हूँ या कुछ भी तो एंड ये येलो हो जाता है, लाइक अभी भी हो रखा है, तो आप नेल रिमूवर से इसको रिमूव कर दो तो ये अपने बिल्कुल कलर शेड पे आ जाता है, तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए. एंड उसके बाद लिप बाम, जो कि बहुत ही मेरा फेवरेट लिप बाम है. लाइक सी कितना अच्छा स्मूदिंग टेक्स्चर देता है ये, तो ये भी बाय कल्पना ब्यूटी प्रोडक्ट्स है. एंड उसके बाद सीरम, हेयर सीरम, काफ़ी ज़्यादा कभी डल हो जाते हैं ना बाल, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो हेयर सीरम, ये थोड़ा सॉफ्ट कर देता है बालों को. एंड द नेक्स्ट वन या द मोस्ट इम्पॉर्टेंट
थिंग इन माय लाइफ, मतलब लाइफ मतलब कुछ टाइम से हुआ है ऐसा कुछ कि लिप टिंट एंड चिक टिंट इसे यूज़ करने के बाद, आपको मेकअप यूज़ करने के बाद नहीं, आई स्वेयर आप इसे बाय करके देखना, आप ये यूज़ करोगे ना उसके बाद आपको मेकअप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप बस हल्का सा लिप पे लगाओ, चिक पे लगाओ, बस नेचुरल लगेगा, बिल्कुल नेचुरल। तो ये मेरा मतलब कि फेवरेट प्रोडक्ट है, इसके बिना मेरा काम नहीं चलता। एंड द नेक्स्ट इज या आजकल मुझे क्रेज चढ़ा है ब्लू लाइनर का, तो मैंने जस्ट अभी बाय किया ये ब्लू लाइनर, एंड उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं है। अगेन एक लिप ग्लॉस लाइक ये किसका, ये मेबलिन न्यू वॉक, मतलब महंगी चीज़ है भाई मेरे पास, महंगा। एंड उसके बाद मिल जाएगा आपको लिपस्टिक, न्यूड लिपस्टिक जो कि मैं यूज़ नहीं करती एज यू ऑल नो, मैंने बता दिया पहले। एंड उसके बाद मस्कारा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं समटाइम यूज़ करती हूँ, समटाइम यूज़ नहीं करती। टच हुड मेरे आई लैशेज काफ़ी अच्छे हैं तो मुझे कई बार नीड होती है एंड कई बार नहीं होती, और कई बार ऐसा होता है कि मैं लगा लूँ तो मतलब कि ऐसे ज़्यादा ओवर लगने लगता है फेक आई लैशेज हैं, तो मैं समटाइम इसे यूज़ करती हूँ, बट ये मेरे बैग में ही रहता है। एंड उसके बाद ये ब्रश आईब्रो फिल करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, एंड इसका ये ढक्कन खुल चुका है, ये मेरे बैग में रहना नहीं चाहता एक्चुअली। एंड ये है पोन्स का बीबी क्रीम जो कि मतलब कि सम टाइम लाइक आपको पिंपल या कुछ मतलब कि स्पॉट्स वगैरह तो आप ये यूज़ करके इसे कवर अप कर सकते हो। यस, एक चॉकलेट है मेरे बैग में, चॉकलेट डेरी मिल्क जो कि मैं बहुत ज़्यादा यूज खा रही हूँ आजकल, तो थोड़ी सी है भी, खा लूँ क्या? खा लेती हूँ। एंड उसके बाद है कुछ चिल्लड़ गरीब लोग, 160 रुपीज़ है मेरे बैग में बस गाइस, इसीलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो वीडियो ताकि मेरे पास थोड़े पैसे आ सके यार, हेल्प करो इस गरीब की। अब कुछ बचा भी है आई थिंक, ये छोटू सा क्लिप है, मुझे ऐसे छोटे छोटे क्लिप्स काफ़ी ज़्यादा प्यारे लगते हैं। एंड उसके बाद एंड या मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपके गाइज ना अगर आप गर्ल्स हो ना तो आपके बैग में इस टाइप की चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पैंटी लाइनर है, हर गर्ल्स के बैग में एक ये चीज़ तो होनी ही चाहिए, सडनली आपको कभी पीरियड्स या कभी कुछ भी हो सकता है तो लाइक ये इम्पॉर्टेंट है। एंड द मोस्ट लास्ट थिंग आई थिंक लास्ट वन इज़ ये फेस रेजर, लाइक ये ऐसे ओपन हो जाता है एंड ऐसे बंद हो जाता है, ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आप कभी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, अगर आपके पीछे कोई पड़ गया तो च-च-च-च-च. इस टाइप से भी कर सकते हो। एंड आई एम जस्ट जोकिंग गाइस, ऐसा कुछ नहीं होता, इतने छोटे से तो कोई भी नहीं डरेगा। एंड मतलब इसका यूज़ ये है कि कभी आपके अपर लिप्स आ रहे हो तो आप कभी यूज़ कर सकते हो, लाइक कोई आपको चुड़ाए ना मुच्छड़ करके तो आप यू इजीली इसे यूज़ कर सकते हो। सो गाइज, मैंने आपको सारा कुछ दिखा दिया, मैंने अपनी एक पूरे बैग पोटरी खाली कर दी आप सबके सामने, अपना सीक्रेट शेयर कर दिया है। एंड इन सब में से ना इतने ज़्यादा सामान में से बस मेरी दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक मेरा मेट्रो कार्ड एंड सेकेंड वन इज़ माई ATM, वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि आजकल फ़ोन पे गूगल पे पेटीएम ये सब चीज़ें हैं, एंड माई कोम एंड माई एयरपोर्ट्स, बस इतनी सारी चीज़ें मेरे काम की हैं। So yeah guys, that's all for today's video, and video अच्छी लगी हो so please like करे, share करे, comment करे and मेरे channel को subscribe कर दे, और क्या मुझे प्यार करे, अगर video अच्छी ना लगी हो तो मैं तो अच्छी लगी होंगी आपको यार, so please मेरे channel को subscribe करे, like करे, follow करे और जो जो होता है बाकी सब कुछ करते, मिलते हैं next video में, till then take care, bye bye, love you all।